पटना के पत्रकार का परिवार भूखे रहने पे मजबूर, इंसाफ के लिए 3 सालों से लगा रहा चक्कर। पीएमओ की चिट्ठी लेकर दरवाजे दरवाजे इंसाफ की गुहार लगा रही इकलौते बेटे की माँ। भटकती माँ कभी अपने बेटे पर फक्र करती थी और बड़े अदब से लोगों को बताती थी कि मेरा बेटा पत्रकार है और दूसरों की समस्या को जोर शोर से उठाता है। और उसी माँ का पत्रकार बेटा हत्या के आरोप में पिछले लगभग 3 वर्षों से जेल में बंद है और इंसाफ के लिए माँ बेहाल है। बता दें, शिव नारायण यादव पत्रकार पटना से सटे मनेर थाना इलाके के ग्यासपुर पंचायत के सहली चक के रहने वाले हैं। वो एक ईमानदार, कर्मठ और बुद्धिजीवी लड़का है, पत्रकार है और निर्भीक इंसान है। उसको हत्या के मुकदमे में फंसा करके जेल में डाल दिया गया है। शिव नारायण की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। यह आलिशान कार्यालय माँ ने अपनी जमीन बेचकर अपने पत्रकार बेटे के लिए बनवाया था। इसी कार्यालय में शिव नारायण यादव उर्फ सुपन यादव न्यूज 4 पंचायत बे पोर्टल के माध्यम से संचालित करते थे और परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। तभी उनके ऊपर भोजपुर थाना में कांड संख्या 11/2017 एवं 12/2017 और दानापुर थाना में कांड संख्या 210/2017 के तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल जाने के बाद उनकी बूढ़ी माँ ने इंसाफ के लिए हर एक उस दरवाजे को खटखटाया जिससे उसे इंसाफ की उम्मीद थी, पर उसे कहीं से इंसाफ मिलता दिखाई नहीं पड़ा। उसके बाद अपने आसपास के लोगों की मदद से पीएमओ कार्यालय चिट्ठी भेजकर इंसाफ की मदद की मांग की। 17/6/2017 उन्हें पीएमओ कार्यालय से एक पत्र मिला और उस पत्र की प्राप्ति के बाद बूढ़ी माँ की आंखों में इंसाफ की ज्योति दिखलाई दी है। हमारा एक लड़का रहे, हमारा लड़का के लोग जेल में फंसा कर रखले हमारा 3.5 वर्ष से। छोटा छोटा बाल बच्चा है। अब हमनी के खैला बिना भूखले मरे थी आ कोई लोग सहारा न कैलन तो हम प्रधानमंत्री जी को हम एगो चिट्ठी लिखली। ओकरा बाद वो चिट्ठी भेजलन प्रधानमंत्री जी। परिवार आज फटेहाल जीवन जीने पर मजबूर है। बेटा बेटी पत्नी आज दाने दाने को मोहताज है। मेरे पापा 3.5 साल से जेल में फंस गए हैं। खाने के लिए नहीं है, ना पढ़ने के लिए फीस जमा हो रहा है। मेरे भविष्य में क्या लिखा है हम नहीं जानते हैं। मेरे पापा जेल में चल गए तो हम लोग बहुत बेहतरमी तरह से जी रहे हैं। बेटे और बेटी की पढ़ाई भी छूट गई है। परिवार और बूढ़ी माँ सीबीआई मामले की जांच कर रही है ताकि सत्य सामने आ सके। इन्हें अंतिम उम्मीद सीबीआई जांच और मीडिया के ऊपर कायम है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पीएमओ कार्यालय से प्राप्त पत्र से इस माँ को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, पटना।